हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। एंड जो लास्ट का वीडियो हमने कवर अप किया था, उस लास्ट वीडियो में हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस किया था डिटेल में, कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर, जो दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं उनके बारे में एक डिटेल डिस्कशन। वीडियो नंबर 72 जो लास्ट रिकॉर्ड किया गया है उसमें सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की गई है, राइट। तो टुडे we are going to discuss about losses in transformer। ठीक है, तो चूंकि एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर और एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर, दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर हम अभी तक देखते हुए आए हैं। एक था हमारे पास आइडियल ट्रांसफॉर्मर एंड दूसरा है प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर जिसको हम एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं, राइट। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर का बेसिकली जो डेफिनेशन हमने दिया है वो कुछ इस तरह से दिया है कि इस आइडियल ट्रांसफॉर्मर में किसी भी तरह का लॉस नहीं होना चाहिए, राइट। कुछ पांच पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे व्हेन वी वर डिस्कसिंग दिस आइडियल ट्रांसफॉर्मर टॉपिक, तो वी हैव डिस्कस्ड फाइव पॉइंट्स। तो अगर पांच पॉइंट्स यहाँ पर फुलफिल होते हैं देन ओनली वी से कि ये एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। बट आइडियल ट्रांसफॉर्मर एक्चुअल में नहीं होता, ये जो केस है दिस इज ओनली एक हाइपोथेटिकल केस है। ये दिस इज जस्ट प्योरली हाइपोथेटिकल केस जिस बेसिस पे हम इसको डिफाइन करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इस तरह का कोई भी ट्रांसफॉर्मर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो एक्चुअल एग्जिस्टेंस है ट्रांसफॉर्मर का उसमें हमारे पास आता है एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर की जब आप बात करेंगे तो नेचुरली वहां पर लॉसेस भी होंगे, राइट। और वो लॉसेस क्यों होंगे, किस किस वजह से होंगे, ये हम अभी तक काफी सारे टॉपिक्स में डिस्कस करते आए हैं। जैसे ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस अपने आप में एक लॉस प्रोड्यूस करेगा, लीकेज फ्लक्स एक लॉस प्रोड्यूस करेगा, एक हिस्टेरेसिस जो इफेक्ट है ट्रांसफार्मर में हमने देखा बीएच कर्व एनालिसिस करते हुए, जब हमने पढ़ा था कि एक हिस्टेरेसिस लूप बनता है जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स सामने आती हैं, वो सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं। तो ये सारे रीजंस ट्रांसफार्मर में लॉसेस का कारण बनते हैं। बट स्टिल ट्रांसफार्मर का जो लॉस है, अगर एक ओवरऑल परसेंटेज ऑफ लॉस देखा जाए एज कम्पेयर टू द रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, बिकॉज ट्रांसफॉर्मर यूजुअली वर्क्स ऑन वेरी वेरी हाई एफिशिएंसी फॉर लाइक मोर देन 95% एंड समटाइम्स इट गोज अप टू 99%, राइट। तो यू कैन सी कि ट्रांसफॉर्मर में जो लॉसेज हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कितने टाइप के लॉसेज ट्रांसफॉर्मर में हो सकते हैं। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में ही चूंकि लॉसेज होंगे तो हम जो भी डिस्कशन करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू ओनली प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। तो देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर। वन इज कॉल्ड कोर लॉस, जिसको हम नो लोड पावर भी कहते हैं। अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे उसको हम नो लोड पावर भी कहते हैं, इसको हम आयरन लॉसेज भी कहते हैं और इनको हम कॉन्स्टेंट लॉसेज भी कहते हैं, राइट। कोर लॉस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लॉसेस कोर में होते हैं। नो लोड पावर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो लॉसेस हैं ये नो लोड और लोड दोनों पे सेम रहते हैं, तो आप जब भी इनको कैलकुलेट करते हैं तो नो लोड पर हम पावर मेजर कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मर की। ट्रांसफॉर्मर पर आप कोई लोड मत लगाइए, उसको वर्क करने दीजिए और प्राइमरी साइड से आप पावर को मेजर कर लीजिए। जितना भी पावर ट्रांसफॉर्मर कंज्यूम कर रहा होगा वही आपका नो लोड पावर होगा, यानी कि कोर लॉसेज होंगे, राइट। आयरन लॉसेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारे लॉसेज रिलेटेड टू द ट्रांसफॉर्मर मटेरियल हैं जो हम सिलिकन स्टील यूज करते हैं, राइट। और कांस्टेंट लॉसेज हम इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि दीज लॉसेज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ये कभी भी चेंज नहीं होते वेदर ट्रांसफॉर्मर इज लोडेड और वर्किंग ऑन द नो लोड कंडीशन, राइट। तो ये एक फर्स्ट टाइप का लॉस है। सेकेंड टाइप का जो लॉस है दैट इज कॉल्ड कॉपर लॉस, कॉपर लॉसेज इनका दूसरा नाम है आई स्क्वायर आर लॉसेज, और वी ऑल्सो कॉल देम वेरिएबल लॉसेज। ठीक है, कॉपर लॉसेज हमने इसलिए कहा क्योंकि जो कॉपर मटेरियल हम यूज करते हैं वाइंडिंग्स में उसकी वजह से ये लॉसेज होते हैं। सेकेंड आई स्क्वायर आर लॉसेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दीज लॉसेज बेसिकली अकर्स बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन द वाइंडिंग एंड दीज आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, सो आई स्क्वायर आर लॉसेज इसलिए हमने इनका नाम दिया है। एंड वेरिएबल लॉसेज हम इनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वेरी करते हैं लोड के ऊपर, कि कितना लोड हम ट्रांसफॉर्मर को देंगे उसके ऊपर ये लॉसेज डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मेजरली जो ट्रांसफॉर्मर में लॉसेज होते हैं, जो हमने अभी बात की कि जो बहुत ही ओवरऑल अगर लॉसेज की बात हम करते हैं तो बहुत ही स्मॉल लॉसेज होंगे, तो उन स्मॉल लॉसेज का जो मेजर पोर्शन ऑफ लॉस है यानी कि मोर देन 90% जो लॉसेज है दोज लॉसेज कम्स फ्रॉम दीज टू टाइप ऑफ लॉसेज। वन इज कोर लॉस, सेकेंड इज
कॉपर लॉस, ठीक है। तो वन बाय वन इन दोनों लॉसेस को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम कोर लॉस की बात करें तो कोर लॉसेस आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं कोर लॉसेस भी, जिसमें फर्स्ट जो हमारा टाइप है दैट इज हिस्टेरेसिस लॉस एंड सेकेंड टाइप इज एडी करंट लॉस। दीज आर द टू टाइप ऑफ लॉसेस जो कोर लॉस में आते हैं, राइट। फर्स्ट है हिस्टेरेसिस लॉस, सेकेंड है एडी करंट लॉस। और आयरन लॉसेस को हम डिनोट करते हैं पी आई से। पी स्टैंड्स फॉर पावर बिकॉज लॉसेस इटसेल्फ इज अ पावर एंड आई स्टैंड्स फॉर आयरन लॉस। सिमिलरली कॉपर लॉसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी सी से, राइट। तो पी आई आयरन लॉसेस और कोर लॉसेस, पी सी आर द कॉपर लॉसेस। वेयर एज कोर लॉसेस आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज हिस्टेरेसिस लॉस, दीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पी एच, एंड एडी करंट लॉसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पी ई। तो बेसिकली वॉट यू हैव सीन हियर, द कोर लॉसेस और आयरन लॉसेस आर सम ऑफ हिस्टेरेसिस लॉस प्लस एडी करंट लॉस, राइट। नाउ बात करते हैं कि हिस्टेरेसिस लॉस कहां से आ रहे हैं, क्यों हिस्टेरेसिस लॉस अकर हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्टेरेसिस लॉस की। हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक को रिमाइंड कर लेते हैं जो हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था, दैट वॉज हिस्टेरेसिस लूप, ठीक है। हिस्टेरेसिस लूप में हमने एक लूप बनाया था जो कि बी और एच के बीच में ड्रॉ होता है, इस टाइप का वो कर्व था, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें एक्स एक्सिस पर था हमारे पास एच दैट इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स, वर्टिकल एक्सिस पे हमारे पास था फ्लक्स डेंसिटी वेबर पर मीटर स्क्वायर, ओके दिस इज एम्पियर टर्न्स पर मीटर। दीज आर द यूनिट्स, राइट। इसमें आपने देखा था कि जब आप किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हो तो वो इनिशियली जो पाथ फॉलो करता है वो ओ से ए की तरफ को चलता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आप पॉजिटिव एक मैग्नेटाइजिंग करंट को अप्लाई करते हो, ठीक है। उसके बाद जब आप वापस से इस मैग्नेटाइजिंग करंट को रिड्यूस करते हो तो वो सेम पाथ फॉलो ना करते हुए, मतलब ए से ओ की तरफ को ना रिटर्न होते हुए ए से बी की तरफ को रिटर्न होता है। दैट मीन्स यहाँ पर आप देखते हैं कि जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है उस पर आपका जो फ्लक्स डेंसिटी है वो लैग कर रहा है, राइट। उसके बाद आप क्या करते हो, वापस से उसको रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करते हो मटेरियल को बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड दिस प्रोसीजर फॉलोज एंड क्रिएट्स ए मैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द मैग्नेटिक मटीरियल। और ये जो कर्व बनता है इसको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। तो बेसिकली ये जो फिनोमिना है, ये जो लैगिंग फिनोमिना है फ्लक्स डेंसिटी का, ये क्यों अकर हो रहा है, बिकॉज हमारा जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटाइज तो हो जा रहा है लेकिन उसको डीमैग्नेटाइज होने में थोड़ा समय लग रहा है। और इस टाइप के जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं इनकी जो परमिएबिलिटी है वो हमेशा थोड़ी कम होती है। दैट सिंपली मीन्स कि ये जो थिकनेस है कर्व का, ये जो इस हिस्टेरेसिस लूप का जो थिकनेस है, दैट डायरेक्टली इंप्लाइज टू द लॉसेस। जितना ज्यादा ये एरिया बढ़ेगा हिस्टेरेसिस कर्व का, हिस्टेरेसिस लूप का, जितना ज्यादा ये एरिया बढ़ेगा उतने ज्यादा ट्रांसफार्मर में लॉसेस होंगे। एंड एज यू नो ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द एसी, एसी मतलब एक वेरिएबल सप्लाई जो कि एक बार जीरो से पॉजिटिव की तरफ को जाता है, एक बार नेगेटिव की तरफ को पॉजिटिव होता है। तो दैट मींस हम क्या करते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल को, यहाँ पर आप मैग्नेटाइज करते हो, उसके बाद उसको डीमैग्नेटाइजिंग प्रोसेस अडॉप्ट करते हो, उसके बाद उस मटेरियल को रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करते हो। तो ये सारी प्रोसेस एक साइकिल में आपकी हो जाती है। दैट मींस हम हर एक साइकिल में एक लूप को क्रिएट करते हैं किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के लिए। दैट मींस इफ वी हैव ए 50 हर्ट्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज 50 साइकिल्स पर सेकंड, तो एक सेकंड में हम 50 हिस्टेरेसिस लूप्स को बना रहे हैं हर एक मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, राइट। तो इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल कि किस टाइप का मैग्नेटिक मटेरियल हमने यहाँ पर चूज किया हुआ है, क्योंकि उसी के ऊपर पूरा ये प्रोसेस डिपेंड करता है। एंड नेचुरली एवरी मैग्नेटिक मटेरियल हैज इट्स ओन हिस्टेरेसिस लूप, जिसमें जो विड्थ है हिस्टेरेसिस लूप की वो कम या ज्यादा हो सकती है, राइट। तो दिस इज फ्रॉम वेयर हिस्टेरेसिस लॉसेस अकर्स, यहां से हिस्टेरेसिस लॉस बेसिकली आते हैं, राइट।
तो ये तो हो गई हिस्टेरेसिस लॉसेस की बात। अब हम बात करते हैं एडी करंट लॉसेस की। लेट्स टॉक अबाउट द एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस कहां से आते हैं और क्या होते हैं? एडी करंट लॉस, ठीक है। एडी करंट लॉस को समझने के लिए आपको वापस से फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को रिवाइज करना होगा। क्या कहता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड या कंडक्टर में से कोई भी एक चीज रोटेटिंग होगी तो वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। वाइल इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएबल नेचर का है, यानी कि फ्लक्स हमारा अल्टरनेटिंग नेचर का है और हमारे जो कंडक्टर्स हैं वो स्टेशनरी है। दैट इज वाई जो भी ईएमएफ यहां पर इंड्यूस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डी फाई बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, राइट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होने की वजह से ट्रांसफार्मर में ईएमएफ इंड्यूस होता है एंड ईएमएफ इज ए वोल्टेज, ईएमएफ एक वोल्टेज है, राइट, करेक्ट। नाउ जो मैग्नेटिक मटेरियल है ट्रांसफार्मर का, वो मैग्नेटिक मटेरियल इटसेल्फ इज ए कंडक्टर एज वेल एज ये एक ऐसा मटेरियल है जिसका खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, राइट। अगर ईएमएफ और रेजिस्टेंस दोनों रिएक्ट करें एक दूसरे के साथ तो रिजल्ट इनटू ए करंट, आई इक्वल्स टू होता है वी अपॉन आर, राइट। तो उसकी वजह से ट्रांसफार्मर में एक करंट सर्कुलेट करने लगता है, सर्कुलेटिंग करंट होता है वो बेसिकली, क्योंकि उसका कोई यूजफुल वर्क नहीं होता ट्रांसफार्मर में, दैट ओनली सर्कुलेट्स इन द ट्रांसफार्मर कोर। लाइक इफ यू सी ए ट्रांसफार्मर हियर, आप यहां पर एक ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, इस ट्रांसफार्मर में आप क्लियरली देख पा रहे हैं जो पहला वाला डायग्राम है वो एक सॉलिड मटीरियल से बना है। सॉलिड मटीरियल इन द सेंस कि दिस देयर इज नो लैमिनेशंस, ये एक प्योर एक सॉलिड मटेरियल है जिससे हमने ट्रांसफार्मर की कोर को बनाया है। अब इस केस में आप देखेंगे कि जब भी एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगा उसको फ्लो करने के लिए एक बहुत ही लार्ज एरिया मिलता है ट्रांसफार्मर में, राइट। बट अगर आप इसी पर्टिकुलर कोर को लैमिनेशंस में बनाते हैं तो लैमिनेशंस का जो एरिया है वो अपने आप में रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस होने के बाद ट्रांसफार्मर में जो सर्कुलेटिंग करंट है उसको फ्लो होने के लिए पाथ बहुत ही कम से कम मिलता है, राइट। तो दीज आर द सर्कुलेटिंग करंट विच कम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। जब भी ट्रांसफार्मर में ईएमएफ इंड्यूस होगा एक सर्कुलेटिंग करंट ट्रांसफार्मर में अपीयर होता है। दीज सर्कुलेटिंग करंट आर कॉल्ड एडी करंट। ये जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर ये है एडी करंट, ठीक है, दिस इज एडी करंट, राइट। हियर ऑल्सो दिस इज द एडी करंट। नाउ बिकॉज एडी करंट इज ए करंट सो That simply means कि करंट अगर ट्रांसफार्मर में है और रेजिस्टेंस अगर ट्रांसफार्मर में है तो देर विल बी आई स्क्वायर आर लॉसेज वेयर आई इज द एडी करंट। ध्यान रखिएगा ये कॉपर लॉस नहीं है, ये एडी करंट है, बट एडी करंट करंट की वजह से कभी भी कोई भी लॉस होता है तो वो हमेशा आई स्क्वायर आर लॉस ही होता है एंड हेयर करंट इज द एडी करंट। तो ये एडी करंट की वजह से जो भी पावर लॉस यहाँ पर होंगे उनको कहा जाता है एडी करंट लॉसेज। एक और दूसरे डायग्राम से एडी करंट के बारे में देखते हैं। ये देखिए एक ट्रांसफार्मर कोर का हमने एक डायग्राम लिया है, आपको देख क्लियरली पता है कि ट्रांसफार्मर कोर है जिसको हमने कट करके कट सेक्शन में यूज किया है, बीच में से इसको काटा गया है। तो ये एक लैमिनेटेड कोर है। लैमिनेटेड कोर का मतलब है कि यहाँ पर हमने डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन को यूज किया हुआ है। ये जो सेक्शन है यहाँ पर हमारे पास सेक्शन है जो हमारा एक लैमिनेशन का काम कर रहे हैं। तो ये जो इंटरनल पार्ट है यहाँ पर जो अंदर की तरफ को जो पार्ट लगे हुए हैं जो लैमिनेशंस का सरफेस एरिया है उस सरफेस एरिया पे हमें आसानी से ये चीज दिखाई देती है कि जब भी आप एक एडी करंट का फ्लो दिखाना चाहते हैं तो एडी करंट का फ्लो आपको यहाँ पर दिखेगा। ये जो पार्ट है हेयर यू कैन सी द फ्लो ऑफ एडी करंट। ये जो पोर्शन है अगर ये सॉलिड मटीरियल होता तो इस सॉलिड मटीरियल में इस पूरे के पूरे पार्ट में एक बड़े एरिया में करंट फ्लो कर रहे होते, बट बिकॉज ऑफ द लैमिनेशंस यहाँ क्या हो रहा है स्मॉल स्मॉल एरियाज में स्मॉल करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से जो एडी करंट लॉसेज है वो बहुत ही कम हो जाते हैं, राइट। इसी वजह से हम कहते हैं कि एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए लैमिनेशंस का यूज किया जाता है, राइट। रादर देन यूजिंग ए सिंगल पीस आयरन कोर वी क्रिएट दिस आयरन कोर यूजिंग मल्टीपल थिन लैमिनेशंस, राइट। उसका सिंपल सा मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि हमें एरिया रिड्यूस करना होता है बिकॉज एरिया रिड्यूस करने से डायरेक्टली एडी करंट के फ्लो पे इंपैक्ट पड़ता है। जितना कम से कम एरिया होगा उतने कम से कम एडी करंट हमारे फ्लो करेंगे, राइट। अगर आप सॉलिड आयरन ले लेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से जो करंट का फ्लो है वो ज्यादा होगा जिसकी वजह से लॉसेस भी ज्यादा हमें मिलेंगे, राइट। तो ये है आपका बेसिकली रीजन कि व्हाई एंड फ्रॉम वेयर दीज एडी करंट लॉसेस कमिंग फ्रॉम, राइट।
Now, जो hysteresis losses हैं, these hysteresis losses are defined as, इनका जो hysteresis losses का formula है, it is given by KH, this is H, KH, F, BM की power X. Similarly, eddy current losses का भी एक formula है, that is KE, F square, B, M square. ये दो formula है, जिनके help से हम eddy current losses और hysteresis losses को define कर सकते हैं. यहाँ पर अगर आप इन नोटेशंस को देखें तो व्हाट आर दीज नोटेशंस, दिस के एच इज बेसिकली द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. ठीक है, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है वॉल्यूम एंड क्वालिटी ऑफ द मटेरियल के ऊपर, राइट, कि किस टाइप का हमने वॉल्यूम लिया है, कितना वॉल्यूम हमने मटेरियल का लिया है और किस टाइप का मटेरियल हमने लिया है, उसके ऊपर ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का वैल्यू डिपेंड करता है. Similarly, KE is also a proportionality constant. Proportionality constant. इसका भी वैल्यू वॉल्यूम के ऊपर और resistivity of the core material के ऊपर डिपेंड करता है. Because this is KE, eddy current losses में इसका यूज हुआ है, तो proportionality constant है जो कि डिपेंड करेगा आपके laminations की thickness के ऊपर और साथ ही साथ किस टाइप का मटेरियल यूज हुआ है, क्योंकि किस टाइप का मटेरियल यूज हुआ है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, उसी के ऊपर सारी चीजें डिपेंड कर रही है. सो दीज बोथ कॉन्स्टेंट्स बेसिकली डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल, वेयर एज जो के एच मटीरियल है वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है और जो के ई मटीरियल है वो लेमिनेशन की थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है. एफ इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स की फ्रीक्वेंसी है एफ यहां पर, और जो बी एम है दैट इज द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी. तो ये सारे जो एब्रीवेशन है हमने यहां पर यूज किए हैं, जहां पर एक बी एम की पावर एक्स हमने यूज किया है. ये जो एक्स है, वॉट इज दिस एक्स, बेसिकली एक्स इज कॉल्ड स्टीमेंज कॉन्स्टेंट, स्टीमेंज कांस्टेंट. ये स्टीमेंज कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू वेरी करती है 1.5 से 2.5 के बीच में. ठीक है, द वैल्यू ऑफ दिस वेरीज फ्रॉम 1.5 टू 2.5. अगेन इसका जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है किस टाइप का मैग्नेटिक मटेरियल हमने यूज किया है, राइट. जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जो मैग्नेटिक मटीरियल है वो अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी की उसी के मटेरियल के ऊपर सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं हमारी, कि किस टाइप का मैग्नेटिक मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, सारी चीजें कहीं ना कहीं उसी के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, राइट. तो फाइनली वी हैव आयरन लॉसेस एज पी आई इज इक्वल्स टू पी एच प्लस पीई. पी एच और पीई का अगर हम वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो हमें मिलता है के एच एफ बी एम की पावर एक्स प्लस के ई एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर. ठीक है, अब ट्रांसफार्मर का जो ईएमएफ इक्वेशन है, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर वो क्या कहता है, ईएमएफ इक्वेशन ई वन इज इक्वल्स टू प्राइमरी का जो ईएमएफ है दैट इज इक्वल्स टू 4.44 एफ फाइ एम एन वन. ठीक है, हमें ये सारी चीजें पता है, एफ इज द फ्रीक्वेंसी, फाइ एम इज द मैक्सिमम फ्लक्स एंड एन वन इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी साइड एंड ई वन इज द ईएमएफ ऑन द प्राइमरी साइड. Let us say कि V1 and E1 both are equal. हमने यहाँ assume किया है कि V1 और E1 दोनों equal हैं, right? तो यहाँ से हम एक formula इसमें put कर सकते हैं, that is phi m is equals to Bm into A. ठीक है, phi equals to B into A होता है. Phi is the flux, B is the flux density, A is the area, right? तो put this value here, we will get V1 और E1 is equals to 4.44 F Bm into A. From here, what is the value of BM? We can write as BM is equals to V1 upon 4.44 F A into N1. ठीक है, ये हम यहाँ पर put कर सकते हैं. Now, क्योंकि हमारे पास hysteresis loss का formula है KH F BM की power X. यहाँ पर अगर हम BM का value put करें तो वी विल गेट के एच एफ बी एम दैट इज V1 अपॉन 4.44 एफ ए एन वन का पावर एक्स.
ठीक है। फर्दर अगर हम इसको आगे सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज को, हमें मिलता है इज इक्वल्स टू के एच ब्रैकेट में 1/4.44 N1 इंटू ए मल्टीप्लाइड विद एफ एंड मल्टीप्लाइड विद V1/F की पावर एक्स। आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट वी विल गेट के एच V1 का पावर एक्स एफ का पावर 1 - x। हमने क्या किया, हमने V1 की पावर x को एज इट इज रखा, f की पावर को हमने दोनों को सॉल्व कर लिया, तो हमें मिल गया f की पावर 1/x, वेयर ये जो वैल्यू है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये वाला, इसको हमने एक नए कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर दिया है जिसका वैल्यू है कैपिटल के एच। ठीक है, जिसका वैल्यू है कैपिटल के एच, यहां हम लिख सकते हैं वेयर कैपिटल के एच इज इक्वल्स टू स्मॉल के एच 1/4.44 N1 into A, राइट। तो इस रिलेशन से हमें क्या पता चला, हमें क्या मिला है, हमें मिला है pH is equals to capital KH V1 X F 1 - X। यहां से इस रिलेशन से हमें क्या पता चला है, हमें ये पता चला है कि जो हिस्टेरेसिस लॉसेस हैं वो किस किस के प्रोपोर्शनल है, दीज लॉसेस आर प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज एंड द फ्रीक्वेंसी। यहां हम लिख सकते हैं pH is proportional to V1 F, राइट। ये चीज यहां से निकल कर आ रही है। दूसरा, वहीं अगर हम एडी करंट लॉसेस के फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करें तो एडी करंट लॉसेस का हमारे पास फॉर्मूला है KE F स्क्वायर BM स्क्वायर। इसको अगर हम पुट करते हैं BM का वैल्यू हियर, तो हमें मिलता है V1/4.44 A N1 F का होल स्क्वायर, और जब आप इसको सॉल्व करते हैं F स्क्वायर से F स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो वी विल गेट KE V1 स्क्वायर। यहां पर भी हमारा जो के ई वैल्यू है, वेयर कैपिटल के ई इज इक्वल्स टू स्मॉल के ई 4.44 A N1, ठीक है। एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया था, अंदर बचा था 4.44 A N1 का होल स्क्वायर, दिस इज होल स्क्वायर, राइट। और हमारे पास एक कांस्टेंट था के ई, उसके अलावा जो इस पर्टिकुलर रिलेशन में रिमेनिंग था दैट वाज द V1 स्क्वायर। तो यहां से हमें क्लियरली ये चीज समझ में आती है कि जो एडी करंट लॉसेस हैं, दीज आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज बट नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी। तो P इज प्रोपोर्शनल टू V1 स्क्वायर, ये चीज यहां से सामने आ रही है, राइट। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं कि जो हिस्टेरेसिस लॉसेस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड द फ्रीक्वेंसी, बट एडी करंट लॉसेस आर प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई वोल्टेज का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ टोटल लॉसेस क्या हो गए हमारे, टोटल लॉसेस PI इज इक्वल्स टू के एच वी एक्स एफ 1 - x प्लस के ई वी स्क्वायर, राइट। ये हमारे हो गए टोटल आयरन लॉसेस एंड आयरन लॉसेस, सम ऑफ हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो आप देखिए, हिस्टेरेसिस लॉसेस आपकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि फ्रीक्वेंसी आपका जितना भी होगा उतने बार आपका हिस्टेरेसिस लूप बनता है, जिसके ऊपर डायरेक्टली आपके हिस्टेरेसिस लूप हिस्टेरेसिस लॉसेस डिपेंड करते हैं, जबकि जो एडी करंट लॉसेस हैं वो आपके स्क्वायर ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, बट फ्रीक्वेंसी से उनका कोई भी रिलेशन नहीं होता, राइट। तो दिस इज अबाउट द एडी करंट लॉसेस एंड हिस्टेरेसिस लॉसेस। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉसेस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं हम। उसमें हमने देखा कि जो हिस्टेरेसिस लॉस को मिनिमाइज किया जा सकता है, दैट इज बाय यूजिंग द सिलिकन स्टील, जो हम मैग्नेटिक मटेरियल यूज करेंगे मैग्नेटिक कोर बनाने के लिए, ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए, वी विल यूज द सिलिकन स्टील मटेरियल टू मिनिमाइज द हिस्टेरेसिस लॉस। सिमिलरली टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस वी हैव टू यूज लेमिनेशंस टू क्रिएट द कोर, राइट। एक सॉलिड आयरन यूज करने की जगह हम लेमिनेशंस का यूज करते हैं, जिससे एडी करंट का जो फ्लो है वो मिनिमाइज होता है। चूंकि एडी करंट का फ्लो मिनिमाइज हो जाता है, इस वजह से एडी करंट लॉसेस भी रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द
फर्स्ट टाइप ऑफ लॉसेस जिसका नाम था कोर लॉसेस और आयरन लॉसेस. नाउ लेट अस प्रोसीड टू द सेकंड टाइप ऑफ लॉस दैट इज कोर लॉस, कॉपर लॉसेस. तो सेकंड टाइप के जो हमारे लॉस हैं वो है कॉपर लॉसेस और आई स्क्वायर आर लॉसेस. ठीक है, अब आपने एक ट्रांसफॉर्मर देखा है. नॉर्मली ट्रांसफॉर्मर में आपने ये देखा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है. ठीक है, उस रेजिस्टेंस को आपने माना था प्राइमरी साइड पर R1 और सेकेंडरी साइड पर R2. यहां पर आपने लिया था R2. नाउ जब भी आपका कोई भी करंट प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड पर फ्लो होगा, R1 और R2 दोनों में क्या होंगे, लॉसेस होंगे. तो आप अगर देखें तो प्राइमरी साइड का प्राइमरी कॉपर लॉसेस विल बी इक्वल्स टू I1 स्क्वायर R1, सिमिलरली सेकेंडरी कॉपर लॉसेस इज इक्वल्स टू I2 स्क्वायर R2. ठीक है, अगर आप टोटल ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस देखें, टोटल कॉपर लॉस इज इक्वल्स टू लॉस इन प्राइमरी साइड प्लस लॉस इन सेकेंडरी साइड. दोनों साइड के जो लॉसेस हैं इंडिविजुअली, उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल कॉपर लॉस मिलेंगे, दैट इज I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2, दैट विल बी इक्वल्स टू PCEF, राइट. तो टू डिटरमाइन द टोटल कॉपर लॉसेस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर, हाउ वी कैन कैलकुलेट इट, वी कैलकुलेट द प्राइमरी साइड कॉपर लॉसेस एंड सेकेंडरी साइड कॉपर लॉसेस एंड सम दीज टू लॉसेस. इन दोनों को हम यहां पर ऐड कर देते हैं, राइट. इतना समझ में आ गया. नाउ अगर इस फॉर्मूले में हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का यूज करें, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो होता है K इज इक्वल टू I1 अपॉन I2. यहां पर हम क्या करने वाले हैं, I1 की जगह पर अगर हम K इंटू I2 को पुट करें तो क्या हमें मिलेगा, लेट सी. PC इज इक्वल टू K I2 का होल स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2 इज इक्वल टू K स्क्वायर R1 इंटू I2 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर R2. I2 स्क्वायर को यहां से कॉमन ले लेते हैं, अंदर मिलेगा K स्क्वायर R1 प्लस R2. अब ध्यान से देखिए, जो K स्क्वायर R1 है वो एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो प्राइमरी से सेकेंडरी साइड पर रेफर हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं R1 डैश प्लस R2. और R1 डैश प्लस R2 को हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं R02, दैट इज द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस referred to the primary side is called R02. तो the total copper losses को हम इस formula के through भी निकाल सकते हैं, जो कि equivalent resistance के term में यहाँ पर हमने determine किया है. वहीं अगर आप इस formula को in terms of I2 put करें और आप लिखें यहाँ पर I2 is equals to I1 upon K, तो इसको put करके हम देखते हैं क्या हमें मिलेगा. PC is equals to I1 square R1 plus I1 upon K ka whole square into R2, that is equals to I1 square R1 plus I1 square upon K square of R2. यहां से अगर आप I1 square को common ले लेते हैं तो you will get R1 plus R2 upon K square. और R2 upon K square को क्या कहते हैं, R2 upon K square को कहते हैं R2 dash, यानी कि the resistance of secondary side transferred to the primary side. Now what is the value of this R1 plus R2 dash, क्या कहते हैं इसको, R1 plus R2 dash को हम कहते हैं I1 square R01, इसको बोलते हैं R01. तो total हमने तीन formula देखे total copper loss निकालने के. One is in terms of individual primary and secondary resistances. उसके बाद दूसरा formula देखा in terms of equivalent resistance referred to primary side. दूसरा फॉर्मूला हमने देखा इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू द सेकेंडरी साइड. तो दीज आर द थ्री वेज हाउ वी कैन फाइंड आउट द टोटल कॉपर लॉसेस इन ए ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, नाउ व्हाई दीज लॉसेस आर कॉल्ड वेरिएबल लॉसेस. ये वेरिएबल लॉसेस इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये लॉसेस लोड के ऊपर डिपेंड करते हैं. ट्रांसफॉर्मर की पूरी फंक्शनिंग आपने देखी है, उस फंक्शनिंग में आपने क्लियरली ये देखा है कि जब भी ट्रांसफार्मर पे सेकेंडरी पे लोड नहीं लगा होता, मान लीजिए यहाँ पर लोड नहीं था, तो लोड नहीं होने की वजह से I2 फ्लो ही नहीं करेगा, और चूंकि I2 फ्लो नहीं करेगा तो प्राइमरी साइड पर सिर्फ नो लोड करंट होगा, और नो लोड करंट के फ्लो होने के कारण ट्रांसफार्मर में सिर्फ नो लोड लॉसेस ही होंगे, दैट इज आयरन लॉसेस, कोई भी कॉपर लॉस नहीं होगा.
ठीक है, जैसे ही ट्रांसफॉर्मर पे लोड कनेक्ट होगा, डिपेंड करता है कितना लोड ट्रांसफॉर्मर पे सेकेंडरी पे कनेक्टेड है। अगर आप फुल लोड लगाएंगे तो ट्रांसफार्मर का जो रेटेड सेकेंडरी साइड का करंट है वो पूरा का पूरा सेकेंडरी वाइंडिंग के थ्रू फ्लो करेगा। बट अगर आप यहाँ पर जो लोड है उसको कम करके लगाते हैं, मान लीजिए 50% ऑफ द फुल लोड आपने लगाया, ठीक है, तो 50% ऑफ फुल लोड के केस में ट्रांसफार्मर की जो करंट रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी एंड अकॉर्डिंगली प्राइमरी साइड से करंट की डिमांड की जाएगी ट्रांसफार्मर के, क्योंकि हमें पता है जो प्राइमरी से एडिशनल करंट फ्लो होता है वो काउंटर बैलेंसिंग करंट होता है सेकेंडरी साइड के करंट के। तो ऑल दीज थिंग्स डिपेंड्स ऑन द लोड कंडीशन ओनली, दैट इज वाई कॉपर लॉसेस को वेरिएबल लॉसेस कहा जाता है, क्योंकि ये लॉसेस पूरी तरह से लोड की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितना लॉस ट्रांसफार्मर में होगा और कितना लोड ट्रांसफार्मर पे लगा हुआ है। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दीज टू टाइप्स ऑफ लॉसेस जो कि मेजर लॉसेस कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ट्रांसफार्मर में, एक दो टाइप के और बहुत ही छोटे छोटे लॉसेस ट्रांसफार्मर में होते हैं, जिसमें पहला जो लॉस है और वी कैन से थर्ड टाइप ऑफ लॉस is known as stray loss. Stray losses basically occur जो हो रहे हैं वो because of eddy current हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने eddy current losses separately पढ़ लिया है, लेकिन still कुछ losses still रह जाते हैं transformer के कुछ parts के अंदर। जैसे there are so many parts of metallic in nature, जो transformer के अंदर बहुत सारे parts हैं वो metallic nature के हैं, तो जो भी leakage flux प्रैक्टिकल और एक्चुअल ट्रांसफार्मर में फ्लो होता है, तो जो लीकेज फ्लक्स जहां पर भी जाएगा, जिस भी पार्ट से जाके वो लिंक करेगा, वहां पर वो अपने आप में एक करंट को इंड्यूस करता है, क्योंकि हमें पता है जब जहां भी एक वेरिएबल फ्लक्स कट करेगा किसी भी स्टेशनरी मेटालिक पार्ट को, वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जिस भी मेटालिक पार्ट के साथ जाके लिंक करता है, वहां पर वो स्मॉल अमाउंट ऑफ ईएमएफ इंड्यूस करता है, जिसके कारण से ट्रांसफार्मर में स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, जिसको एडी करंट ही बोलते हैं, वो एक वहां पर आ जाता है, जिसके कारण बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ लॉस ट्रांसफार्मर में अकर होता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रे लॉसेस। ठीक है, और जो चौथे नंबर का जो लॉस है, फोर्थ टाइप का लॉस है, दैट इज डाइइलेक्ट्रिक लॉस। डाइइलेक्ट्रिक लॉस, डाइइलेक्ट्रिक लॉस बेसिकली ट्रांसफार्मर के इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर होता है। इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब ट्रांसफार्मर में जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल का काम कर रहा है, या फिर सॉलिड आयरन को अगर हम यूज कर रहे हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, सॉलिड किसी सॉलिड इंसुलेटिंग मटेरियल का हम यूज करते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, तो वहां पर ये इस टाइप का लॉस अकर होता है। और ये डाइलेक्ट्रिक लॉसेस सिर्फ ज्यादातर उन्हीं ट्रांसफार्मर में अपीयर होते हैं जहां पर हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का हम यूज करते हैं, अदरवाइज ये जो लॉसेस हैं ये बहुत ज्यादा वहां अपीयर नहीं होते हैं, राइट। और अगर देखा जाए तो टोटल लॉसेस का ये दोनों लॉसेस बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ परसेंटेज कवर करते हैं, या फिर हम कहें कि इन दोनों लॉसेस को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, दीज आर द नेग्लिजिबल लॉसेस, क्योंकि मेजरली आयरन लॉस और कॉपर लॉसेस की हेल्प से ही हम पूरे लॉसेस को कवर अप कर सकते हैं। तो बेसिकली वी हैव स्टडीड फोर टाइप ऑफ लॉसेस। नंबर वन वाज आयरन लॉस, जिसके दो कंपोनेंट थे, वन इज हिस्टेरेसिस लॉस एंड सेकेंड वन इज एडी करंट लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का मटेरियल यूज करते हैं ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए, और एडी करंट लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए लेमिनेशन का यूज किया जाता है, राइट। दूसरे टाइप का जो लॉस है वो है कॉपर लॉस, जिसको वेरिएबल लॉस कहा गया है, ठीक है। ये बेसिकली आई स्क्वायर आर लॉसेस होते हैं, जो रेजिस्टेंस ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस अवेलेबल है ट्रांसफार्मर में, उसके कारण ये लॉसेस हो रहे हैं, राइट। इनको हम मिनिमाइज नहीं कर सकते, बिकॉज जो भी बेस्ट ऑफ बेस्ट मटेरियल ऑफ एज ए कंडक्टर आप ट्रांसफार्मर वाइंडिंग्स के लिए यूज करेंगे, सबका अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, और चूंकि हमें पता है रेजिस्टेंस टाइम के साथ साथ टेम्परेचर के साथ साथ चेंज हो जाता है, जो इफेक्ट है ट्रांसफार्मर रेजिस्टेंस के ऊपर वो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। तो कुछ समय बाद जब एक लॉन्ग एज हो जाती है ट्रांसफार्मर की, जो लॉन्ग एज हो जाती है, उस कंडीशन में रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, जिसके कारण कॉपर लॉसेस भी इंक्रीज हो सकते हैं। तो देयर इज नो वे टू मिनिमाइज दीज लॉसेस, ये ट्रांसफार्मर में हमेशा रहेंगे, क्योंकि एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में एक कंडक्टर होता है, कंडक्टर का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। अपार्ट फ्रॉम दीज टू मेजर लॉसेज वी हैव अनदर टू टाइप ऑफ लॉसेज, वन इज स्ट्रे लॉस, वन इज डाइलेक्ट्रिक लॉस। दीज टू आर नेग्लिजिबल लॉसेज एंड कॉन्ट्रीब्यूट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लॉसेज एज कंपेयर टू अदर दीज टू, राइट। तो टोटल जो लॉसेस का परसेंटेज है, टोटल लॉसेस का जो
परसेंटेज ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी हमेशा ग्रेटर देन 95% ही होती है। किसी भी ट्रांसफार्मर की बात करें तो मोर देन 95% ही हमेशा होगी, यानी कि जितने लॉसेज हैं वो मैक्सिमम 5% हो सकते हैं, मैक्सिमम 5%, यानी कि इससे ज्यादा हम ट्रांसफार्मर रेटिंग का 5% से ज्यादा लॉसेज ट्रांसफार्मर में कभी भी नहीं होने चाहिए, राइट। और स्ट्रे लॉस और डायलेक्ट्रिक लॉस उससे भी कम होंगे, हार्डली 1% या लेस देन 1% कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, जिनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो दीज आर द फोर टाइप ऑफ लॉसेज विच वी हैव डिस्कस्ड इन द ट्रांसफार्मर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, राइट। इसमें हमने डिटेल में जितने भी टाइप के लॉसेस थे उनके बारे में स्टडी किया और देखा किस तरह से इन लॉसेस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो को अच्छे से देख के लॉसेस के बारे में आप समझने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को पुट करिए। आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, राइट। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स वी विल डिस्कस अनदर टॉपिक ऑफ द ट्रांसफार्मर। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।